नमस्कार वसंत सर। हाँ नमस्कार मैडम। अजून कोणी जॉईंड होत आहे आपल्या इथून? मॅडम मी बाहेर होतो आणि विषय असा झाला की मी आता जॉईन झालो। मला माहित नाही होता, मी पाहिल्याबरोबर आता दिसलं मॅडम मला। ओके ओके ठीक आहे। नाही आपला आजचं वेबिनार थोडा वेगळ्या विषयावर आहे, बरं झालं तुम्ही जॉईन केलं। बरोबर बरोबर, पाहिल्याबरोबर मला दिसलं ते। हां हां आपण ओके। कस्तुरी कॉटन बद्दल काय ऐकून आहात का? नाही मॅडम। ओके, त्याबद्दलच आहे आज, त्या विषयावर आहे आपलं वेबिनार। ठीक बरोबर बरोबर, म्हणजे आहे, आपले शेतकरी आणि काही एफपीओचे डायरेक्टर्स जॉईंड होत आहेत। आपण हाँ मग स्टार्ट कशावरती करूया। कशावरती आहे मॅडम ते? टेक्स फॉसिल सोबत आपण वेबिनार करतो आहे। कस्तुरी कॉटन एक ब्रँड आहे, अच्छा हाँ त्याच्यावरती आहे। बरं ठीक आहे, आता मी सांगतेच झाल्यावर त्याची माहितीच पडेल। माहिती तशी। हाँ, आता झाल्यावरती माहितीच पडेल। हो सर, ओके म्हणजे ओके कसं ओके आपण वेबिनार मार्फत थोडक्यात सांगतो, आपलं बरं। वर्कशॉप झालं त्याच्यावरून आपल्याला अनुभव आलाच असेल आपल्या इथे। ठीक हो, आहे, विशेष नाही। ओके हाँ ओके सर। माझा मोबाईल पण चालू होईल।
हॅलो उदय सर. हॅलो. हा सर, आपण एक 2 मिनिटं वाट बघून स्टार्ट करतोय. येस येस डायरेक्टर चांग होतात. येस येस नो इशू. सालू को आ रहे हो? नमस्कार शर्मा सर, नमस्कार. नमस्कार. आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, आवाज आ रही. ओके, एक 10-2 मिनट डायरेक्टर्स का वेट करते हैं, फिर हम चालू कर देते हैं. जी. दोनशे रुपयाचे ताट आहे मनीषाला. हॅलो नरेंद्र सर. नरेंद्र सर आवाज येत आहे? हॅलो नरेंद्र सर. हेलो. हॅलो बोला बोला.
हेलो है ना रविंद्र हेलो सर। हाँ, हाँ आवाज येतोय येऊन राहिला आवाज। मॅडम, आवाज येऊन राहिला, आवाज येऊन राहिला. ओके आपण सुरू करायचं का अजून काही हो शेतकरी मॅडम, जॉईन काही होत जण आहेत? जॉईन होत आहे, तोपर्यंत आपण चालू करून देऊ. ओके हॅलो उदय सर। नरेंद्र सर आवाज येत आहे ना? हो मॅडम, आवाज येऊन राहिला. आपण हॅलो, वेबिनारला सुरुवात करूया। हा आवाज चालू करू मॅडम. हो सर चालेल। सर आपण रिक्वेस्ट करते की थोडंसं हिंदीमध्ये डिस्कशन करू, कारण काही आपले जे तज्ज्ञ आहेत जे जॉईंड आहेत आपल्या सोबत त्यांना मराठी समजण्यासाठी थोडा इश्यू येतो। ठीक आहे मॅडम, चालेल ना. ठीक आहे सर। नमस्कार, नमस्कार। मैं शीतल करपे कॉटन गुरु परिवार की तरफ से आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं महंत गिरी एफपीओ के डायरेक्टर्स और सभी किसान भाइयों। इनको मैं बताना चाहती हूँ, कॉटन गुरु और ऑल इंडिया कॉटन एसोसिएशन की तरफ से खास निवेदन करना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम आपके सामने लेके आए हुए हैं। कस्तूरी ब्रांड जो भारत के लिए कपास से लेकर कपड़े तक एक नेशनल ब्रांड है, उस मुहिम में आपको जोड़ने के लिए हमारे तरफ से आपको इनविटेशन है। इसके लिए हम टेक्सको सिल्क के साथ मिलकर वेबिनार सीरीज शुरू कर चुके हैं। इसमें आप भी जुड़े, क्योंकि कपास में आगे जाके ब्रांडिंग एक अच्छा रास्ता हमें आगे दिख रहा है। ब्रांडिंग क्यों जरूरी है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। सर आवाज है तो है ना? हो मैडम, ब्रांडिंग क्यों जरूरी है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। ब्रांड की कीमत हमेशा साधारण वस्तु से अधिक होती है, और क्यों होती है हम ये कमिटमेंट बोलते हैं, या बेचने वाले की तरफ से और बनाने वाले की तरफ से इसके प्रमाण में स्टैंडर्ड के अंतर्गत ये माल बनाया जाता है। ये कैसे बनाएगा? कपास से गठान का सफर, कपास से गठान बनाने का ये सफर हम इस वेबिनार में बताना चाहते हैं। अगर आपको प्रात्यक्षिक वर्कशॉप भी करने हैं तो आप हमारे साथ कॉटन गुरु के टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। ऑल इंडिया कॉटन एसोसिएशन और ऑल इंडिया कॉटन फेडरेशन हमेशा आपके साथ रहेगा। कपास का सफर नफे की तरफ कैसे ले जाएंगे? कपास का सफर
नफे की तरफ ले जाने के लिए ब्रांडिंग एक आवश्यक साधन है, एक अच्छा मार्ग है आगे बढ़ने के लिए। और कस्तूरी ब्रांड टेक्सपोसिल के संग हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इससे किसानों को और एफपीओ को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, ये बहुत अच्छा एक सौदा हो सकता है। यही मैं शुरुआत में आपको बताना चाहती हूँ। नरेंद्र सर, हाँ बोलिए मैडम। हम अभी जो मैंने शुरुआत की है वेबिनार की, हाँ इसमें आपको थोड़ा बहुत समझा रहेगा या फिर कुछ डाउट है जो मैंने अभी बताया हाँ जी? नहीं काय मैडम, समझ लो कोई सर। डाउट नहीं है हम। हाँ कोई डाउट नहीं है। हमको समझाने का है, समझ लेंगे हम। ओके, ये कस्तूरी कॉटन, इसके बारे में आपने सुना है? नहीं 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 अभी तक नहीं सुना। अभी तक नहीं सुना है। आपको ब्रांडिंग के ऊपर विश्वास तो रहेगा ना? ब्रांड वो हाँ क्या हाँ है, हाँ ब्रांडिंग को कितना महत्व है आज की स्टेज में, इतना तो आपको पता रहेगा, हाँ बराबर है ना सर? सेम चीज रोड पे मिल रही है और वही हम एक उसको ब्रांड का नाम देके बेचते हैं, तो उसमें कीमत की कितनी तफावत होती है। पर जब भी वो सामान्य चीज है और उसको ब्रांड का नाम दिया जाता है, उसके रास्ते में कितने जन आते हैं, क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके लिए उसके दाम बढ़ते हैं, बराबर है ना नरेंद्र सर? हाँ बराबर है बराबर। हेलो, हाँ हेलो मैडम, आवाज आता है। हाँ ये था ना, मतलब मैंने जो अभी बताया नॉर्मल चीज है और उसे जब भी ब्रांड का नाम दिया जाता है तो उसकी कीमत क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसके बीच में जो रास्ता आता है और उसे जो नाम मिलता है उसका वो दाम होता है, बराबर है सर? हाँ बराबर है। बस मुझे यही आपको बताना था। अगर आप एक अच्छा क्वालिटी का कपास अगर चुनते हैं या फिर उगाते हैं, तो उसे आगे ले जाके उसकी गठान कैसी बनती है और उस हाँ गठानों को या फिर आपने चुने हुए कपास को एक अच्छा ब्रांड कैसे दे सके, बस हाँ यही बताना चाहते हैं हम इस वेबिनार के माध्यम से। ठीक है ना मैडम। और हमारे साथ आगे जुड़े हुए हैं पुरुषोत्तम जी शर्मा सर। हाँ शर्मा सर के बारे में, एक सेकेंड ना, सॉरी, उदय सर आप कुछ हाँ बोलना यस सर, चाहेंगे? हाँ यस सर, हाँ मैडम, एक 2 मिनट में मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। सॉरी, एक सेकेंड ना सर। हाँ नरेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेक्सपोसिल में से उदय सर, हाँ जिनके जिनके बारे में, जिस ब्रांड के बारे में अभी हमने मैंने थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी, उस विषय पर सर अभी आपको थोड़ी अच्छी, मेरे तरफ से भी और अच्छी जानकारी सर आपको देंगे। ठीक है ठीक। ओवर टू यू सर। हाँ नमस्ते सबको, मैं उदय नमस्ते। करात हूँ, मैं टेक्सपोसिल में प्रोजेक्ट हेड हूँ कस्तूरी कॉटन भारत के प्रोग्राम के लिए। आपने अभी शायद शायद सुना रहेगा कस्तूरी कॉटन, ये जो है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल ट्रेड बॉडीज और इंडस्ट्री, और ये सपोर्ट बाय कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब के जॉइंट इनिशिएटिव से ये कस्तूरी कॉटन भारत ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चालू किया है। तो इसमें टेक्सपोसिल को एज अ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नॉमिनेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये जो कस्तूरी कॉटन भारत प्रोजेक्ट है अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च किया गया है, अभी जस्ट 1 हफ्ते से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हम कुछ जिनिंग में कुछ सैम्पलिंग टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन कर रहे हैं।
आप सबको तो एज अ फार्मर, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, आपको तो मालूम है कि इंडिया ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया है अंडर कॉटन कल्टीवेशन, मतलब सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया वर्ल्ड में इंडिया के अंदर है। एंड इंडिया इज अ सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, कॉटन को कंज्यूम करने वाला भी सेकेंड लार्जेस्ट है। बट इतने साल से क्या हुआ कि जैसे यूएस, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब हर एक कंट्री का अपना अपना ब्रांड है, गीजा, प्यूमा, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड्स है। तो वैसे अपना इंडिया का कोई ब्रांड नहीं था, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से हमने ये ब्रांड डेवलप किया है एज अ कस्तूरी कॉटन भारत। ये एक नया ब्रांड इंडिया ने लॉन्च किया है, तो ये डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट्स के लिए हम एज अ टेक्सप्रोसिल एजेंसी हम नॉमिनेट हुए। तो ये हम हमारे इंडियन कॉटन को प्रमोट कर रहे हैं इन इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज। तो इंडियन कॉटन को हम अदर कंट्रीज में जाके जहाँ पे भी ये एग्जीबिशंस या ट्रेड फेयर्स होते हैं कॉटन एंड टेक्सटाइल रिलेटेड, तो वहाँ पे हम इंडियन कॉटन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम इंडियन कॉटन एंड टेक्सटाइल का मतलब फेस है, हम चेहरा है इंडियन कॉटन का। तो एज ए इनिशिएटिव हमारा ये मेन फोकस है कि कस्तूरी कॉटन जो है ये प्रीमियम ब्रांड, इंडिया का प्रीमियम ब्रांड एज अ प्रमोट करना है। तो इसमें से क्या क्या है, हमने 29 और 30 mm, ये दो सेगमेंट हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये 29 30 mm जो लॉन्ग स्टेपल लेंथ है, तो इसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। मतलब क्या होता है कि एपीएमसी मंडी या जीनिंग लेवल पे बहुत सारा कॉटन अच्छा भी आता है, खराब आता है, और फिर वहां पे पूरा मिक्स होता है। तो हमारा ये हमारे ये पहले कि सब जीनर्स को हम ये एजुकेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो भी अच्छा कॉटन आता है, खराब कॉटन आता है, वो अलग से हीपिंग करके उसके अलग से कॉटन बेल्स बनाए। मतलब जो प्रीमियम क्वालिटी का कॉटन है 29 30 mm, तो उसको अलग से हीपिंग करके उसका अलग से कॉटन बेल प्रोडक्शन करने की मतलब हमारी पहल है। तो इसके लिए हम बहुत सारे जिनिंग से हम कॉन्टेक्ट है, लगभग 350 के आसपास जिनिंग हम हमारे कस्तूरी कॉटन भारत के प्रोग्राम में ऑलरेडी जुड़े हैं। इसके लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हमको सपोर्ट किया है ये प्रोग्राम बिल्डअप करने के लिए। तो इसमें मेनली क्या, ये ट्रेसेबिलिटी एंड सर्टिफिकेशन एंड वैलिडेशन ये प्रोग्राम है ये कस्तूरी कॉटन। इसमें क्या हम ट्राई कर रहे हैं कि सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव कॉटन हम इंडिया से प्रोड्यूस करके उसको डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हम इंक्रेज कर रहे हैं, ताकि भारत को उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रेशियस और फॉरेन ट्रेड मिले इंडिया को, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा परसेप्शन जो है इंडियन कॉटन ऐसा माना जाता है वर्ल्ड में कि इंडियन कॉटन इज द मोस्ट कॉन्टेमिनेटेड कॉटन, तो इतना नाम हमारा खराब हो गया। तो हमारा ये परसेप्शन जो है वो चेंज करके इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन कॉटन का ब्रांडिंग हम करके ये कस्तूरी प्रॉमिस हम डिलीवर कर रहे हैं क्लाइंट्स को डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स में। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस डेवलप करने के लिए हमने कुछ क्वालिटी बेंचमार्क्स रखे हैं। तो उसके लिए हम थर्ड पार्टी सैम्पलिंग एजेंसी से हम सैम्पलिंग करते हैं, और नॉमिनेटेड एनएबीएल अप्रूव्ड लेबोरेटरीज में एचवीआई, ट्रैश और मॉइस्चर का इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करते हैं। और जो भी हमारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स 7 पैरामीटर्स हैं, उस जिसमें हम स्टेपल लेंथ है, माइक्रोनेयर वैल्यू है, आरडी वैल्यू है, फाइबर स्ट्रेंथ है, यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स, ट्रैश कंटेंट, मॉइस्चर कंट्रोल, ये 7 पैरामीटर्स हैं। तो ये हमने कुछ पैरामीटर्स मापदंड हमने डिफाइन किए हैं। तो अगर उसमें अगर कोई भी लॉट पास होता है, तो वो हम उसको कस्तूरी कॉटन का ब्रांड लेबल देके वो हम ईच एंड एवरी बेल में उसका क्यूआर कोड ट्रेसिंग के लिए चिपका देंगे। तो ये हम ब्रांडिंग करेंगे इंटरनेशनल लेवल की कि आप कस्तूरी कॉटन यूज कीजिए, तो इसमें स्टेपल लेंथ और बाकी पैरामीटर्स अच्छे हैं, और ये मॉइस्चर कंटेंट उसमें कम है, बिलो 8%, और ट्रैश मेन जो है ट्रैश कॉन्टेमिनेशन हमारे यहाँ पे ज्यादा होता है, तो ये हम बिलो 2% ट्रैश कंटेंट लाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ये सब पैरामीटर्स अगर मैं क्वालिफाई होता है एज अ कस्तूरी कॉटन, कोई भी कॉटन, तो उसको हम एज अ कस्तूरी कॉटन लेबल देके हम उसका सुपीरियर क्वालिटी कॉटन हम ब्रांड करेंगे। तो इसमें से ये कस्तूरी कॉटन यूज करने से ये जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में, उसका
कॉटन में जब वो फैब्रिक बनाएंगे तो उसका सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और फिर ये कलर, ये सब उसमें इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमारा मेन यही फोकस है टेक्सप्रोसील का कि हमें हर एक जिनर के साथ जाके ये एजुकेट करे, जिनर्स हो या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, कि हमारे कस्तूरी कॉटन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडिंग करें। बेसिकली ये कस्तूरी कॉटन ब्रांड जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हम इसको लेके गए हैं। तो हर एक जहाँ पे भी ये कॉटन का चेंज ऑफ हैंड होता है, जैसे फार्मर से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी टू जिनर, जिनर टू स्पिनर, व्यूवर, फिर प्रोसेसिंग यूनिट, फिर ये एक्सपोर्टर, जहाँ जहाँ पे भी ये कॉटन चेंज ऑफ हैंड होता है तो वहाँ पे हम ट्रेसेबिलिटी के लिए हम ट्रांजिशन सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और ये पूरे जो भी ट्रांजेक्शन हो गए कस्तूरी कॉटन में वो हर एक ट्रांजेक्शन हम मैप करेंगे ब्लॉकचेन के द्वारा। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट है। तो इसमें हर एक लॉट जो भी इंस्पेक्ट ऑफर करते हैं जिनर्स हमको, उसका हम ऑडिट करेंगे। पहले जिनिंग का ऑडिट करके हम उसको क्वालिफाई करेंगे, और उसमें से जो भी कस्तूरी कॉटन के बेल्स आइडेंटिफाई करेंगे उसके हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करके, सैम्पलिंग करके, 5% सैम्पलिंग करके सैंपल्स फिर एनेबल लैब में टेस्टिंग करेंगे। और अगर वो कस्तूरी कॉटन स्पेसिफिकेशन में मैच होते तो हम उनको सर्टिफिकेशन देंगे। तो वो सर्टिफिकेट वो उनके स्पिनर या जो भी उनके क्लाइंट है वो उनको देके उनको प्रीमियम मिल सकता है। एटलीस्ट हमारा टारगेट है कि मिनिमम 1500 पर कैंडी का हम उसको, जो करंट मार्केट रेट में है, तो उसमें हम 1500, 1500 रुपये पर कैंडी को प्रीमियम मिलेगा। ऐसा गवर्नमेंट, ट्रेड बॉडीज, टेक्सप्रोसील और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब का ज्वाइंट इनिशिएटिव करके हम इसका ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो इसमें जो फाइनल कस्टमर है, जो इंडिया में है या ओवरसीज है, वो फॉरेन कंट्री में, अगर एग्जांपल वो अपना कस्तूरी कॉटन का टी शर्ट अगर खरीद लेगा, और जब वो क्यूआर कोड ट्रेस करेगा, मतलब शर्ट के लेबल के साथ कंपनी के ब्रांड के साथ एक क्यूआर कोड लेबल रहेगा कस्तूरी कॉटन भारत का, तो अगर वो कोई क्लाइंट यूएस में प्रोक्यूर करेगा शर्ट, परचेस करेगा और क्यूआर कोड स्कैन करेगा, तो उसको दिखेगा कि ये कहाँ, कौन से जिनिंग से आया है, कौन से फार्मर प्रोड्यूसर से आया है, कहाँ पे स्पिनिंग हुआ है, इसका व्यूइंग कहाँ पे हुआ है, प्रोसेसिंग कहाँ हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुआ है, और ये एक्सपोर्टर कौन है। तो पूरा ये ब्लॉकचेन के थ्रू बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी उनको देख सकते हैं। तो ये क्यूआर कोड हर एक सप्लाई चेन जो स्टेक होल्डर है, तो हर हर कोई ये क्यूआर कोड स्कैन करके ये ट्रेसेबिलिटी जो है, तो ये सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी जिसको हम मागोवा बोलते हैं मराठी में, तो ये बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी करके, ये ट्रेसेबिलिटी करके ये देख सकते हैं। क्योंकि यूरोप और यूएस के बहुत सारे ब्रांड, उनका रिक्वायरमेंट है कि हमको कॉटन चाहिए, इंडियन कॉटन चाहिए, हमको चाइनीज कॉटन नहीं चाहिए, लेकिन इंडियन कॉटन हमको स्टैंडर्डाइज चाहिए विथ ट्रेसेबिलिटी, प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी, कि ये कहाँ से आया है, कौन से जिनर से आया है, कहाँ से कौन से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से आया है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर है। तो अभी फिलहाल तो हम ये साल हम जिनर के थ्रू चालू किया है, ये जो प्रोजेक्ट है कस्तूरी कॉटन भारत का, हमने जिनर के थ्रू चालू किया है, स्टार्टिंग पॉइंट ही जिनर, बट एक साल के बाद हम फार्मर और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से चालू करेंगे। तो जो भी कॉटन एक्सपोर्ट होता है, जो भी कॉटन एंड कॉटन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है ओवरसीज अदर कंट्रीज में, तो उनको अभी ये साल में जिनर्स से दिखेगा पूरा ट्रेसेबिलिटी के कॉटन कहाँ से आया है। तो नेक्स्ट सेकेंड फेज में हम नेक्स्ट ईयर से ये फार्म लेवल ट्रेसेबिलिटी तक हमारे जाने की कोशिश है, मतलब फार्मर या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज तक जाने का हम ट्राई कर रहे हैं। तो ये हमारे एक पहल है। तो इसके साथ हम बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग्स वगैरह कर रहे हैं हम। तो यही हमारा कॉटन गुरु के साथ अभी जस्ट 8-10 दिन पहले ये एमओयू हुआ है। तो इंडिया में जितने भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज और जिनर्स एसोसिएशन है, उनको हम ट्रेन करके ये एजुकेट कर रहे हैं कि कस्तूरी कॉटन कैसे बनाएंगे और उसको कैसे ब्रांडिंग करेंगे, ट्रेसिंग कैसे करेंगे, सर्टिफिकेशन कैसे करेंगे।
तो इसके लिए अगर कुछ ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कस्तूरी कॉटन के लिए, तो आप कॉटन गुरु से संपर्क कर सकते हैं और फिर उनसे आप अदर डिटेल्स ले सकते हैं। हम उनके पास सब शेयर कर देंगे, उनको प्रेजेंटेशन और डिटेल्स स्पेसिफिकेशंस वगैरह। थैंक यू। हाँ मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू उदय सर। उदय जी, मेरे कुछ प्रश्न हैं। हाँ बोलिए मैं सर। पुरुषोत्तम शर्मा भीलवाड़ा से बोल रहा हूँ। हाँ यस यस सर। कस्तूर हाँ कस्तूरी कॉटन का जहाँ सवाल है, तो आपने बताया कि एक बेल पर 1400 रुपये जो है प्रीमियम देंगे, हाँ यस सर। उसमें अभी आप जो एक बेल नहीं है सर, एक बेल नहीं सर, कैंडी, एक कैंडी। एक कैंडी, तो ये तो बहुत कम है। और दूसरी दूसरी बात ये है कि काश्तकार को क्या अश्योरेंस आप दोगे कि भैया आप जो है आपको क्या प्रीमियम उसका? अभी तो लाभ जो है ना केवल जिनर उठाएगा। हाँ सर, ये स्टार्टिंग है ना, हमारा थोड़ा लेट हो गया ये नहीं, प्रोग्राम आने के लिए, स्टार्टिंग लेकिन देखिए, स्टार्टिंग अभी मतलब जनर से है। एफपीओ से भी जुड़े हुए काश्तकारी हैं। अब उस करेक्ट। काश्तकार को जो वो कस्तूरी के हिसाब से प्योरिटी के कंटेमिनेशन नहीं हो, कम हो वगैरह, तो उसके लिए तो काश्तकार को प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो हाँ यस। काश्तकार को क्या अश्योरेंस मिलेगा? मैं उदय जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ। हाँ नहीं सर, ये हम ये फार्मर्स के लिए हम इसलिए तो ये एजुकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये नहीं सीजन नहीं जो है एजु हमारा सिर्फ एजुके एजुकेशन की, कैसे कस्तूरी कॉटन हम कंटेमिनेशन और ट्रैश कंट्रोल करते हैं। हाँ बोलिए वो सर। सब हम कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ बोलिए। काश्तकार जो है ना, अल्टीमेटली तो काश्तकार को ही जो है कस्तूरी कॉटन के जो स्टैंडर्ड है उसको बनाने हैं, है ना? जीनर करेक्ट तो सर। वो उसका वो करके, तो उसको काश्तकार जो बोएगा और पैदा करके और वो देगा, उसको क्या मिलेगा? मतलब जो है ना उसका क्या अश्योरेंस होगा? आप एक कैंडी पर 1400 रुपये तो दे रहे हैं। हाँ सर, 1500 रुपये दे रहे हैं, लेकिन ये सर जिनर्स के साथ हाँ, हमारा चौदह सौ कम्युनिकेशन पंद्रह चालू सौ है। जो भी दे रहे हाँ हैं। हाँ जीएसएस नहीं, हम जिनर्स को वही हम सबको ट्रेनिंग करके ये कर रहे हैं कि जो भी अच्छा प्रीमियम कॉटन आपको मार्केट में दिखेगा मैं तो उसको, सर सर एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जो भी उदय हमको जी अच्छा कॉटन। हाँ बोलिए उदय सर। जी मैं ये हाँ कह हाँ रहा बोलिए सर। हूँ कि वो तो जिनर को होगा और 1500 रुपये पर कैंडी मिलेगा। काश्तकार जो उससे जुड़े होंगे और जो उसको बेचेंगे, उसको क्या अश्योरेंस होगा कि वो जो है ना जो है ट्रेस नहीं हो, कंटेमिनेशन नहीं हो, प्योर कॉटन हो वगैरह, उसकी स्टेपल लेंथ और जो है उसमें जो नमी वाली बात नहीं हो वगैरह, तो काश्तकार को क्या अश्योरेंस होगा? मतलब आज जो है ना, देखिए आप हमारी, मैं जो है ना प्रोजेक्ट हाँ कोऑर्डिनेटर हूँ और मेरा पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है वगैरह, उसमें जब जो है ना पहली मीटिंग हुई थी सीटी के साथ, तो मैंने यही प्रश्न उठाया कि आज भी काश्तकार जो है ना वो मतलब 33% वाला भी उसी में जा रहा है और 40% जीनी परसेंटेज वाला भी उसमें जा रहा है। तो काश्तकार तो काश्तकार को कुछ मिलना नहीं है। ये जो है ना नहीं काश्तकार प्लीज। ने, और उस बात को उनने एग्री किया है, आपके जो चेयरमैन थे उनसे मीटिंग हुई थी हमारी, तो काश्तकार को जो है ना, और काश्तकार जो है वो सारा प्रयत्न करेगा और मजे वो जो बोलेगा जिनर लेगा। नहीं, इसलिए तो हमारा यही सर कम्युनिकेशन चालू है अच्छा, और जिनर्स के साथ कि जो भी आप माल ले रहे हैं खेडूत फार्मर से या एफपीओ से, तो उसमें हाँ, मिक्स करके हम ना ले, जो भी अच्छा क्वालिटी का कॉटन है जिसमें ट्रैश और कंटेमिनेशन कम है वो। उदय जी मैं समझ गया हूँ, समझता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि काश्तकार जो अच्छी क्वालिटी का ले, तो अच्छी क्वालिटी के हिसाब से पैसा नहीं दे रहा है ना? नहीं, इसलिए काश्तकार तो को सर पैसा नहीं मिल रहा, नहीं सर मिलेगा। वही सर वही तो ये, क्योंकि हमारा यहाँ पे सर कॉटन ट्रेडिंग और प्रोक्योरमेंट में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो सभी मतलब 30 mm का भी वही भाव मिलता है, 29 का भी, 25 mm वही का, मैं कह रहा हूँ, तो वही। तीस हाँ तो एम ये एम हमने सर ये पहले एम एम ये एम एम को आप छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनिंग परसेंटेज जो है ना, जैसे मान लो 33% का भी उसी रेट में काश्तकार से खरीदेगा जीनियर, और हमारे यहाँ 40% तक जाता है, तो 40% वाला भी तो काश्तकार को लाभ क्या हो रहा है? काश्तकार को तो कुछ नहीं मिल रहा, 33% भी उसी गुड़ और गोबर एक भाव चलेगा वगैरह।
तो ये तो केवल जो है ना आपके जीनर के लिए ही फायदा है। सर ये स्टेप बाय स्टेप हम वो आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ने कि ये पूरा कचरे का भी भाव वही है और सोने का भी भाव वही है, तो वही उसी वही को मैं कह रहा हूं आइडेंटिफाई मैं किया है। नहीं आपका जी। बात मैं समझ गया सर, तो इसीलिए हमने ये लूपहोल आइडेंटिफाई किया है सिस्टम में। तो ये हर एक सेगमेंट को हम ट्रेनिंग देके अवेयर कर दें कि अच्छा कॉटन जो है आप फार्मर से खेडूत से जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से ले रहे हो तो जो अच्छा मिल रहा है आपको उसका अच्छा हम मार्केटिंग करेंगे। हम एक्सक्लूसिव मार्केटिंग कर रहे हैं सर अच्छे कॉटन के लिए। तो आप अच्छा कॉटन अलग से भाव से लो, जो अच्छा कंटेमिनेशन कंट्रोल्ड वाला है, कम से कम ट्रैश है, कम से कम मॉइस्चर है, जो आपका अच्छा कॉटन है वो अलग से प्रोक्योर करे, उसका हीपिंग अलग से करे, और जो खराब है जिसमें मॉइस्चर ट्रैश कंटेमिनेशन ज्यादा है वो अलग हीपिंग करे। पहले क्या होता है मंडी में ही सब मिक्स होके आता था, तो अभी हमारा सब जीनर्स के साथ वही अभी ट्रेनिंग चल रहा है कि जो भी अच्छा कॉटन आ रहा है, जो फार्मर से अच्छा कॉटन आ रहा है, तो उसका अलग हीपिंग करो, उसको अलग से पैसे दो, उसको प्रीमियम दो, और जो खराब आ रहा है तो उसको फिर ग्रेड के हिसाब से कम पैसा दो, क्योंकि अच्छा कॉटन जो लेके आ रहा है उसको तो प्रीमियम मिलना चाहिए। तो ही वो अगर उसको कॉम्पेंसेट नहीं करेगा क्वालिटी के लिए तो वो डिमोटिवेट होगा, तो फिर वो क्वालिटी कॉटन नहीं देगा, वो मिक्स करके लाएगा। तो यही पहल को हम नहीं मैं ये आइडेंटिफाई करके हम प्रमोट कर रहे हैं सर, तो उसके लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा। मैं हाँ बोलिए नहीं सर। हाँ टाइम लगेगा। तो दो चार चीजों के लिए तो टेस्टिंग उसको जो है ना जिनर को वहीं रखना पड़ेगा। जैसे स्टेपल लेंथ है, ट्रेस के लिए, नमी के लिए तो उसके पास मीटर होता है, तो हाँ मॉइस्चर मीटर सर, जीनिंग परसेंटेज वगैरह, तो इसके लिए छोटी मोटी चीजें तो इंस्ट्रूमेंट उसको मिलते हैं। रखनी पड़ेगी है यस जी। यस जिनर के पास छोटी मोटी इंस्ट्रूमेंट, छोटा छोटा वो जिनिंग मशीन केवल वगैरह वो होता ही है। वो केवल जो है ना वो नमी देखता है वगैरह, इसके अलावा जो है वो वैसे ही हाथ से देख करके और कहता है चलो इसकी स्टेपल लेंथ इतनी है वगैरह, जो पुराने जो है क्रूड मेथड जो है पुराना किसी के पास नहीं है ये लेबोरेटरी वाला और इसका जो है ना। तो काश्तकार इसीलिए जो है ना कम से कम सीसीआई तो इसको चालू करे। हाँ ये सर वो तो होना चाहिए, नहीं ये तो होना 100% चाहिए और होना चाहिए। हाँ बराबर है देखिए सर, ये आप हमने प्रयत्न किया है। अभी हम अभी फिलहाल अभी सीजन के लेट में आए हैं हम सर, अभी तो अभी नहीं अभी तो ऑलरेडी समझ गया हार्वेस्टिंग हो मैं। गया है। हाँ अच्छा और ट्रेसेबिलिटी का मतलब वो तो ऑनलाइन जो है ना सारा कंप्यूटर पे होगा यस यस मैं, यस यस हाँ सारे कंप्यूटर पे होगा कि भाई रामचंद्र ने जो है ना ये इतना 10 क्विंटल माल जो है वो उसको कस्तूरी के स्टैंडर्ड के हिसाब से पैरामीटर के हिसाब से दिया है, और वो ठेठ बराबर से है। ठेठ तक जो है ना जीनर वगैरह और कपड़ा बनेगा तब तक जो उसका होगा। तो ट्रेसेबिलिटी और ये सारी अभी इतना मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक उसमें जो है प्रोजेक्ट एडवाइजर के काम किया, उसमें जो है ट्रेसेबिलिटी होती है बकायदा किस काश्तकार के कितना हुआ ऑर्गेनिक वगैरह, तो वो जो है ट्रेसेबिलिटी तो एक अभी बहुत बहुत हाँ वो इन्फेंट तो, स्टेज में है। हाँ वो तो है सर, लेकिन देखो सर, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स का और यूरोपियन कंपनीज और यूएस कस्टम्स का रिक्वायरमेंट है कि हमको ट्रेसेबिलिटी चाहिए। तो अभी अगर हमको नहीं नहीं प्रीमियम चाहिए, अगर ट्रेसेबल इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल जाना होना है। चाहिए, हाँ पर उसमें जी फार्मर को जो है ना वो फायदा नहीं हो रहा है। अभी तक तो यही है कि मतलब फार्मर जो है 33% वाले को भी वही और 40% जीनिंग परसेंटेज वाले को भी वही, तो वो जो है ना फार्मर को फायदे वाली बात बताओ तो काश्तकार एकदम उसकी तरफ दौड़ेगा। बाकी जो है ना ये तो जीनर्स और ये ही फायदा उठाएंगे जिसके पास पैसा ज्यादा है, जीनर और स्पिनर वगैरह ये सब भी फायदा उठाएंगे। हाँ नहीं वो तो है सर, अभी मैं अभी के डिस्करेज कंडीशन नहीं में। कर रहा, होना चाहिए। और हाँ मैं आपको बता दूं कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कॉटन के लिए जो स्पेसिफिकेशन कर दिए और उस पे जो है ना ब्रांडिंग वगैरह और उसके हिसाब से उसको लेबल वगैरह लगाने पड़ेंगे, वो 1 साल के लिए उनने सस्पेंड किया है, तो वो तो अपने आप आएगा वगैरह ब्रांडिंग जो है ना अगले साल से वापस चालू हो जाएगा। बराबर है सर। लेकिन सर अभी हमने ये आइडेंटिफाई किया है, ये कस्तूरी कॉटन अभी जस्ट प्रोग्राम चालू किया है, तो अभी पूरा
पुराना तो नहीं बोल सकता, लेकिन इसके आगे हम प्रयास कर रहे हैं कि जो फार्मर, जो खेडूत, जो काश्तकार है, जो कस्तूरी कॉटन के हिसाब से, मापदंड के हिसाब से कॉटन लेके आएगा, उसको अच्छा प्रीमियम माल पैसा मिले, इसका हम प्रयास कर रहे हैं सर, जिनर्स के साथ बस मिलकर, वो क्योंकि काश्तकार की चिंता क्योंकि क्योंकि सर सेकंड में क्योंकि हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ, ये जो पैरामीटर्स जो बनाए हैं हाँ सर, तो आप शीतल जी को आप बता दीजिए वो के कस्तूरी के क्या पैरामीटर्स हैं, तो वो मुझे पास ऑन कर देंगे कम से कम जो है ना। हम तो काश्तकारों से रोज जुड़ते हैं, रोज बात करते हैं, ट्रेनिंग है करते हैं, सब करते हैं वगैरह, तो वो पैरामीटर्स जो है ना, जो भी कस्तूरी ने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं वो जो हाँ है, यस सर, हाँ आप मैं शीतल क्या जी करता को। हूँ, मैं हाँ शीतल मैडम को पूरे पैरामीटर्स में लिस्ट भेज देता हूँ, स्टेपल लेंथ, जी माइक्रोनियर, आरडी, फाइबर लेंथ जो है हाँ वो हाँ बिल्कुल, माइकर भेज देता वगैरह वो हूँ, जो है, माइक वगैरह वो मैं, टेना यस यस सिटी हाँ वगैरह वो हाँ सारा जो है वो सब आपका जो मैं भेज है देता हूँ सर। नहीं हम जी आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पास ये क्राइटेरिया मीट हो सकता है कस्तूरी का, तो हम वो ग्रुप बना के, हम जो भी नियर बाय जिनर होगा, हम उनसे वन टू वन बात करके कॉटन गुरु के थ्रू ही हम जाएंगे, कॉटन गुरु को ही उनको माल प्रोक्योर करके वो ट्रेडिंग कर देंगे। इसलिए तो हमने कॉटन गुरु नहीं, को वो बीच में रखा है कि वो ऐसे ये फार्मर बढ़िया प्रोड्यूसर किया है। कंपनीज को, फार्मर प्रोड्यूसर, क्योंकि सर हमको एज अ गवर्नमेंट एजेंसी हर जगह हम नहीं जा सकते फील्ड पे, तो हम हाँ, तो ऑलरेडी ये बहुत कॉटन गुरु, बढ़िया इन किया लोगों आपने। कॉटन गुरु के साथ ऑलरेडी हमने एमओयू चालू किया है, तो ये सर जी दो चार दिन में उनका एक लॉट हम सैम्पलिंग करके, टेस्ट करके कस्तूरी कॉटन हम बनाने वाले हैं, तो उसमें वो हम एक केस स्टडी बना रहे हैं सर, तो उसमें जो जी जी जो भी एक लॉट हम 100 बेल का बना रहे हैं अभी, ये पायलट प्रोजेक्ट बना रही है, तो ये मनीष सर और ये कृपे सर ऑलरेडी वही फील्ड पे गए उसके लिए, तो ये वीक में हम ऑलरेडी ये एक लॉट बना रहे हैं कस्तूरी कॉटन का, उसमें जो जो फार्मर्स ने, जो जो कस्तकार ने माल दिया है, तो उनको हम बेनिफिट देने का ये पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये सक्सेस होने के बाद यही हम सभी जिनर्स के साथ मिलके, जो भी हम आप हमको आइडेंटिफाई करके दीजिए, जो भी फार्मर प्रोड्यूसर का कंपनीज हमको कस्तूरी कॉटन के मापदंड के हिसाब से माल दे सकते हैं, हम उनका टाई अप करके देंगे ना सर, जो भी नियरेस्ट जिनिंग फैक्ट्री रहेगा उनके आसपास, तो उनके साथ टाई अप करके देंगे, और हम भी लिस्ट, हमारे पास जो 350 जिनर का लिस्ट है वो भी हम आपको दे देंगे, तो आपके आजू बाजू जो भी जिनिंग है नो, आप लिस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिस्ट और हम तो उनके साथ मीटिंग करके देंगे कि सर ये फार्मर जी प्रोड्यूसर कंपनीज आपको 29 और 30 mm का माल कस्तूरी के हिसाब से दे रहे, तो आपको उनको मार्केट से प्रीमियम रेट देना पड़ेगा, ये हम आपको एश्योरेंस देते हैं सर, तो ये सर अभी बहुत चालू बढ़िया किया है, बात तो है। अभी हाँ आगे, अभी पीछे का तो हम बोल नहीं सकते, अभी ये नया पहल है, ये नया इनिशिएटिव नहीं, है, आगे तो की हमारा बात प्रीमियम, करनी है। हाँ यस यस, तो हम 100% सर कॉटन गुरु के साथ हमारा एमओयू हुआ है, तो आप भी उनके साथ कनेक्टेड है, आप हमको लिस्ट दीजिए कौन से फार्मर प्रोड्यूसर के पास है, तो हमारे साथ ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स है, अरविंद है, इंडो काउंट है, सीसीआई है, ऐसे बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं जो फार्मर से लेने के लिए तैयार है, वो हम आइडेंटिफाई करके उनको कनेक्ट कर देंगे, हमारा तो काम ही है जी कनेक्ट करके देना, तो डेफिनेटली सर हम शर्मा सर हम उसमें प्रयास करेंगे, जो भी अच्छे कास्तकार है जो कस्तूरी कॉटन दे सकते हैं उनका हम ग्रुप बनाएंगे, और वो फार्मर प्रोड्यूसर का हम नियरेस्ट जिनिंग जो भी रहेगा उनके साथ टाइप करके हम वो बात कर सकते हैं, और एश्योरेंस दे सकते हैं कि वो जो प्रीमियम कॉटन देंगे अगर वो हमारे स्पेसिफिकेशंस में, तो डेफिनेटली उनको प्रीमियम रेट मिलना ही चाहिए, वो हम एश्योरेंस आपको देते हैं, ये हम चालू करेंगे सर काम इस पे। थैंक यू सर, थैंक ओके ओके, थैंक यू मैडम, शीतल मैडम यू कंटिन्यू उदय करो। सर। यस यस, थैंक यू। नरेंद्र सर आपल्याला काही विचारायचं आहे सरांना, समजलं त्यांनी जे सांगितलं, मॅडम समजलं, ठीक आहे। काही अजून डाउट आहे? पुरेपूर आता ते पुरेपूर माहिती तर नाहीच मिळाली, पण तरी पण नंतर कधी विचारू। हाँ नाही सर, साहेब मी काय करणार आहे, शीतल मॅडमला हे डॉक्युमेंट मी पाठवून देतो, काय काय पॅरामीटर आहेत कस्तुरी कॉटनचे, त्यानंतर तुम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून ते घेऊ शकता, आणि त्याच्यानंतर काही तुमचे काही काही क्वेरीज असतील तर तुम्ही मॅडमशी किंवा माझ्याशी कनेक्ट करू शकता, माझे सगळे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स मॅडम तुम्हाला देऊ शकते, ठीक है काही ठीक प्रॉब्लेम नाही।
यस यस ओके नाही सर, करूया आज आपण. नक्की. ओके थँक्यू मॅडम. ओके, थँक यू सर. तुम्ही छान थँक्यू. माहिती दिली आमच्या एफपीओच्या डायरेक्टर्सला आणि शेतकऱ्यांना. तुम्ही सांगितलेल्या यस यस रस्त्यावर जर यांनी पाऊल उचललं तर नक्कीच त्यांना चांगला फायदा होऊ शकतो. नाही नाही डेफिनेटली. आता हे मनीष सर आणि राजेंद्र सर ऑलरेडी फील्ड वर गेलेले आहेत नागपूरला, तर आपण एक पायलट प्रोजेक्ट करतोय आता या आठवड्यातच. एक कस्तुरी कॉटनचा एक लॉट बनवतोय, तर हा ट्रायल बेसिसवर असणार आहे. हा सक्सेस झाला की हेच आपण मग सर्व आपले काय जे काही फार्मर प्रोड्युसर कंपनीज असतील त्यांच्याबरोबर हे आपण करू शकतो, हे इम्प्लिमेंट करू शकतो. ओके सर, यासाठी आम्ही ऑलरेडी कॉटन बरोबर आपण आहे सर, आणि हे हो. आपण करूया, इनिशिएटिव्ह करूया, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके थँक्यू मॅडम. थँक्यू ओके, थँक थँक्यू यू सर, शर्मा जी. थँक यू. ओके थँक्यू. नरेंद्र सर, आपले जे काही प्रश्न आहेत ते हाँ आपण मला व्हॉट्सअप करा. आपल्याला आपल्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला नक्की मिळून जाईल. मॅडम, नेमकं म्हणजे कसं आहे, कस्तुरी के जे कॉटन आहे म्हणजे हे काय नेमकं काय आहे हेच नाही समजलं आपल्याला. आपण कस्तुरी कॉटन हे हाँ ब्रँडिंग ब्रँड आहे, ब्रँड. ब्रँड आहे, ब्रँड आहे फक्त कस्तुरी हे नाव म्हणजे ब्रँड आहे बरोबर. हाँ, याच्यात म्हणजे म्हणजे डिझाईन कोण म्हणजे कापूस कोणता आहे असं झालेलं. चांगल्या क्वालिटीचा कापूस, जसं आता सर बोलले हाँ ना, मी तुम्हाला पॅरामीटर्स पाठवतो. हाँ आता तुम्हालाही माहिती असेल पॅरामीटर कसं मोजतात किंवा काय हो असतं. जेव्हा हो तुम्ही कापूस विकण्यासाठी खरेदी विक्रीसाठी जातात एपीएमसी मध्ये म्हणा किंवा कोणाला दाखवतात, हो तर ते पॅरामीटर नुसारच त्याचा रेट तिथे ठरला जातो, बरोबर. हो हो हा, मग ते त्यानुसार त्या कापसाची क्वालिटी चेक होणार आणि त्याचं एक ब्रँडिंग ब्रँड मध्ये रूपांतर होणार. हो मगाशी ठीक आय आहे थिंक ना. मी जे थोडे हिंदी मध्ये इंट्रोडक्शन दिलं हाँ हो त्याच्यात तुम्हाला समजलं असेल, कपास का हाँ सफर नफे की तरफ कैसे ले जा सके और हाँ उसकी अच्छी ब्रँडिंग कैसे बन सके. म्हणजे कापसापासून आपण गठाणी बनवतो तर हाँ त्याच्यासाठी पण एक सिलेक्टेड पॅरामीटर असतं. त्याच्यामध्ये बरेचसे बदल करून किंवा काही ऍड करून एक ब्रँडिंग त्याला दिलं जातं, एक नाव त्याला दिलं जातं, एक तुम वेगळी मॅडम ओळख त्याला दिली जाते. ठीक आहे मॅडम, आपण जे कापूस जे आहे ना तर ते मग एफपीओ मार्फत खरेदी करणार आहे का, काय काय नाही ते जे कापूस जे खरेदी करायचा आहे की जे ब्रँड करायचा आहे कापसाला तर ते हाँ, खरेदी म्हणजे एफपीओ मार्फत करणार आहे की जिनिंग मार्फत करणार आहे. आपल्या जवळपास जर जिनिंग असेल तुम्ही हाँ त्याच्याशी कॉन्टॅक्ट करून द्या आम्हाला, हाँ किंवा जर नसेल आपण कसं आपल्या जवळपास नियर बाय काय आहे किंवा हाँ कसं सोयीस्कर पडेल याच्यावर सुद्धा तुम्हाला सुचवू शकतो. किंवा जर तुमची तयारीच असेल जिनिंग टाकण्याची तर त्याच्यासाठी काय सोपे रस्ते आहे याच्यावर सुद्धा तुम्हाला मार्गदर्शन केलं जाईल. बर आणि सर, वेबिनार हे एक माध्यम आहे हे ओळख हाँ होण्यासाठी. आता हाँ ठीक आहे, उदय सरांनी जे आपल्याला सांगितलं ते शॉर्ट मध्ये सांगितलं, आणि हाँ आता असं नाहीये जे आपले शेतकरी बांधव जॉईंट आहेत सगळ्यांना समजलं असेल. हाँ आपण हे बोलो. प्रत्यक्ष आपल्या एफपीओच्या इथे येऊन आपल्या गावात येऊन एक वर्कशॉप सुद्धा अरेंज करू शकतो, जेणे की ही माहिती प्रत्यक्ष सर त्यांची टीम तिथे येऊन शेतकऱ्यांना सांगेल. मग त्यावेळेस आपल्या एफपीओचे सर्व डायरेक्टर्स असतील, मग ते प्रत्यक्ष येऊन समजून सांगण्याची पद्धत थोडी वेगळी असेल. बर तर आपण जर तसं तयारी दाखवली आपल्या एफपीओच्या टीमने तर आपण एक वर्कशॉप सुद्धा आपल्या इथे घेऊ शकतो. ठीक आहे ना मॅडम. आता मी सॉरी, अभी मैं वेबिनार के आगे मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ पुरुषोत्तम जी शर्मा. इनको इनके बारे में जितना बताया जाए वो बहुत कम है. इन्हें कृषि तज्ञ बोला जाता है. कम खर्चे में अधिक उपज कैसे ली जा सकती है और खेतों में आने वाले रोगों पर घरेलू उपचार कैसे की जा सके, इसके बारे में सर हमें अच्छी जानकारी देंगे. ओवर टू यू शर्मा सर. नमस्कार भाई, राम राम सभी को, महाराष्ट्र के काश्तकार भाइयों को. आप अभी कस्तूरी की बात कर रहे थे. कस्तूरी में ऐसे समझ लो आप कि
एक तो लोकल संतरे आपकी तरफ होते हैं नागपुर की तरफ, तो एक तो कहीं और का संतरा और एक नागपुरी संतरा। तो इसी ढंग से कस्तूरी नाम दे दिया उसको, जिसकी क्वालिटी का ये पता है कि भाई हाँ ये इसमें ये है। जैसे सोने में कसौटी लगा करके पता लगते हैं कि ये कितने कैरेट का सोना है, और फिर उस हिसाब से ये जो है 18 का है, 22 कैरेट का है वगैरह, और फिर 22 कैरेट का तो उस हिसाब से जैसे सोने पे आजकल छाप लगती है, उसी ढंग से ये कस्तूरी का इनने एक इनिशिएटिव लिया है। अब कस्तूरी कैसे पैदा करें ये मैं आपको बताऊंगा, और कस्तूरी में कम लागत लगे वो मैं ही बताऊंगा। तो वही देखो, एक तो ये है कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कपास पैदा कर रहा है, लेकिन और सबसे ज्यादा एरिया, लेकिन पैदावार प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर सबसे कम हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में हो रही है, 360 किलो रुई प्रति हेक्टेयर। और खाद भी हम बढ़ाते जा रहे हैं, दवाइयां भी बढ़ाते जा रहे हैं, और पैदावार नहीं बढ़ रही है। तो काश्तकार घबरा करके, कई काश्तकार जो है वही कपास नहीं होना, अपन तो दूसरी फसल बोएंगे। कल वेबिनार था, उसमें कहा कि भाई धीरे धीरे काश्तकार जो है सोयाबीन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कपास की। तो कपास एक ऐसी फसल है जो पैसा देती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आप करके और करेंगे तो निश्चित रूप से पैदावार बढ़ जाएगी। अब आपकी 360 है, मेरे यहाँ अभी कपास की भीलवाड़ा जिले में प्रति हेक्टर 120 किलो कम से कम है, 120 किलो, 1020, 1020 किलो रुई प्रति हेक्टर है। तो अब अगर आप अंदाज लगाएं, और 1310 किलो लिंट तक गई है, तो उसके लिए कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो पहला तो ये है कि हम जिस खेत में कपास बोते हैं, यदि संभव हो तो उस खेत में कपास मत बो करके और दूसरी फसल लेकर के दूसरे खेत में जिसमें कपास नहीं बोई है उस खेत में बोना चाहिए। अगर आप उसी खेत में आप लेते जाएंगे तो पैदावार आपकी जो है वो निश्चित रूप से जो है 25-30% कम होगी उसी खेत में। दूसरा बिंदु यह है कि हम खाद कम करते चले जा रहे हैं, गोबर का, हरी खाद वगैरह, ये तो जो है हरी खाद तो भूल ही गए काश्तकार, हमारे यहाँ भी भूल गए और आपके यहाँ भी भूल गए। गोबर की खाद भी इतनी नहीं है कि हम इतनी डाल सकें। तो उसके लिए ये है कि आप जो कपास बो रहे हैं उसके साथ मिलवा फसल बोएं, और मिलवा फसल जो दाल वाली फसल है, लिग्यूम है, जैसे आप उसमें उड़द है, मूंग है, मूंगफली है, साथ में बोएंगे तो एक्स्ट्रा इनकम तो आपको मिलेगी मिलेगी। और आकाश से जो नत्रजन, यूरिया, यूरिया में आप अच्छी तरह समझे, नत्रजन में जो है वो आकाश से नत्रजन को खींच करके गांठों के अगर आप उखाड़ करके देखें, उड़द मूंग वगैरह ये जो है मूंगफली, तो उसकी जड़ों में गांठें होती है, वो गांठें जो है आकाश से नत्रजन लेकर के करती। तो अगर पानी ज्यादा भी बरसा और फसल उसी में हो गई तो भी आपके खाद, आपकी जमीन जो है उपजाऊ बनेगी। तो मिलवा फसल आप उड़द या मूंग या मूंगफली वगैरह ऐसी जो फसल है उसके साथ आप लगाएं। इसके बाद कुछ चीजें हैं जो आप करेंगे तो पैदावार बढ़ेगी। अभी काश्तकार जो है वो जो बुवाई करता है कपास की,
वो 3 फीट बाई 3 फीट पर करता है या 3 बाई 2 पे करता है, जो जिस जो जहां सिंचित है कपास वहां आप 3 फीट बाई 1 फीट करो, या 3 बाई नहीं तो 1.5 कर लो भाई, थोड़ा सा आप जो है उसके उसमें बीज बढ़ा दो। तो विदेश में जहां ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, चीन में, जहां सबसे ज्यादा पैदावार होती है, वहां 1 हेक्टेयर में 1 लाख पौधे लगाते हैं, और अपने हिंदुस्तान में 12,500 पौधे लगाते हैं। अरे भाई 4 मंजिला मकान है, उसमें 2 आदमी रह रहे, तो वो जो है ना वो मकान में कैसे क्या होगा, तो कम से कम इतने आदमी तो रखो कि उसका बुहारा करता, झाड़ू पोछा वगैरह लग सके। तो 3 बाई 1 पर जिसके पीवल है, और आपके यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है HDPS का, तो उसमें तो जो पीवल नहीं है, जो बरसात पर आधारित है, वो 3 फीट बाई आधा फीट पे वो जो है बुआई कर रहे हैं। और मेरे यहाँ 2 साल से हम लगातार कर रहे हैं, उसमें हमने ये पाया कि 1 एकड़ में 3 क्विंटल 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल जो है पैदावार अधिक होती केवल बीज लगाने से। 1 एकड़ में अगर 3 बाई 1 पर लगाते हैं तो वो पैदावार 3 क्विंटल जाता है। लगा क्या, केवल बीज, और बीज भी वो के मान लो 2 पैकेट 1 एकड़ में लगे तो 2 पैकेट का जो है 850 रुपए का 1 पैकेट आता है, तो 850 के हिसाब से जो है वो 1700 रुपए होते हैं लगाने और वगैरह का, और उसका सबका खर्चा करके 1 एकड़ में 3 3,000 रुपए मान लो मान लेते हैं, तो मान लो आपके 2 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़त होती है, तो 6,500 के हिसाब से, 6,500 के हिसाब से जो है आपका 2 क्विंटल का पैसा होता है 13,000 रुपये। 3,000 आप उसमें से निकाल दीजिए तो 10,000 केवल बीज बढ़ाने से, उसकी दूरी बढ़ाने से आपको जो है मिलता है। खाद वही, अगर पानी पिलाना है तो सिंचाई करनी है तो बीज के अलावा जो है खाद वही, खुदाई वही, निराई गुड़ाई वही, सब कुछ वही, केवल बीज बढ़ाने से आपकी पैदावार बढ़ जाती है। तो पहला बिंदु सबसे बड़ा है आज जो है ना पूरे हिंदुस्तान में ये चल रहा है, और हमारी जो संस्था है सीटी सिद्रा वो जो है 3 प्रदेशों में चला रही है, एक राजस्थान में चला रही है, एक मध्य प्रदेश में चला रही है, आपके महाराष्ट्र में नागपुर वगैरह वर्धा ये वो उसमें भी जो है अमरावती उसमें चल रहा है। तो पहला बिंदु यह है कि आपको बीज की मात्रा बढ़ानी है, पौधों से पौधे की दूरी कम करनी है। दूसरा बिंदु यह है कि आप जब बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद खुदाई वगैरह करके, और जो पौधे हैं उस पे मिट्टी चढ़ा दीजिए, डोली बना दीजिए, तो उस डोली बनाने से ये फायदा होगा कि अगर आपका पानी ज्यादा बरसा तो वो जो नालियां बनेगी उस नाली से निकल जाएगा, पानी कम बरसा तो वो नमी नमी को जो है वो आप डोली बना देंगे, उससे जो है नमी बनी रहेगी। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, जब हवा चलेगी या कुछ चलती है तो पौधा झुक जाता है, टूट जाता है, उसकी शाखाएं टूट जाती है, तो दूसरा नंबर का जो बिंदु है वो आपको कपास की फसल में डोली बनाना है। तीसरा बिंदु यह है
कि जब कपास 4.5 फीट की हो या कंधे से आपके छुए तो उसका सिर तोड़ देना है, इसको डीटोपिंग कहते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये एक चमत्कार नाम की जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है, दवा आती है, उसको जो है एक टंकी में जब वो 55-60 दिन की हो जाए तो एक टंकी में आप जो है वो 20-25 मिलीलीटर मिला करके और आप छांटेंगे 1 एकड़ में, तो वो पौधे छोटे मतलब ज्यादा बड़बार नहीं लेंगे और छोटे भी जो है आपके बोंडी कहते हैं हमारे यहाँ, क्या बोल कहते हैं हमारे यहाँ डिंडू कहते हैं, वो बड़े आएंगे और ज्यादा आएंगे। और अगर आपके पास आपके घर घर के ही हैं तो आप जो है ना उसका सिर आप तोड़ सकते हैं। एक आध मैं तो सिर तोड़ने की बात करता हूँ, इसे डीटॉपिंग कहते हैं। और आपकी जो कॉटन गुरु है उनने तो कई मशीनें दे रखी है, उनने ये जो है यवतमाल में चलाया, और आपके महाराष्ट्र में एक योजना चल रही केवल सिर तोड़ने की, कपास के सिर तोड़ने की, 5 फीट से ऊपर जो है दादा भाई लाड के हिसाब से 1 करोड़ और कुछ, केवल एक काम कि भाई सिर तोड़ दो, सिर तोड़ दो कपास को। तो भाई हम तो हमारे यहाँ के काश्तकार तो 2007 से ही जो है सिर तोड़ते हैं। तो दूसरा बिंदु ये है। तीसरा बिंदु ये है कि कपास में एक बीमारी आती है और खड़ी खड़ी फसल जो है ना सूख जाती है। सुबह शाम को वो देख करके काश्तकार अपने खेत को आता है और सुबह देखता है कि भाई वो पौधे 25 से 30% जो है ना वो मुरझाए हुए और उनके पत्ते जो है और अंत में वो सूख जाते हैं। तो इसके लिए हमने समाधान निकाला है कि एनपीके खाद आता है, 1 एकड़ की बता रहा हूँ, एनपीके खाद 1 किलो का आता है, वो 190-200 रुपए का, और एक आती है माइक्रो न्यूट्रेंट का पैकेट आता है, 1 किलो 1 किलो दोनों को लेकर के, और आप उस फसल में आप छांटेंगे तो पैराविल्ट की बीमारी नहीं होगी। दूसरी बात, क्योंकि हम केवल डीएपी और यूरिया ही डालते हैं अधिकतर कातकार, तो उसमें जो पोटाश नहीं होता तो उसमें जो आप ऊपर से छांट रहे हैं एनपीके के मतलब पोटाश, तो वो जो है ना पोटाश भी मिल जाता है, और पोटाश जो है बीमारी के कीड़ों वगैरह से रक्षा करता है और चमकदार बनाता है आपकी कपास को। अगला जो बिंदु है कि हमारे फूल और कई बार ये जो है बोल बोंडी क्या क्या कहते हैं, तो वो जो है डिंडू वो जो है वो गिर जाते हैं, खिर जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं बिना फल बने, तो उसके लिए एक प्लेनोफिक्स नाम की बहुत सस्ती दवा आती है। तो प्लेनोफिक्स दवा जो है वो 5 मिलीलीटर एक जो 15 लीटर की जो आपकी मशीन आती है उसमें 5 लीटर के हिसाब से एक बार छाटेंगे तो आपके जो ये फूल जो गिरते हैं हमारे खिरना कहते हैं हमारे यहाँ, तो वो जो है वो रुक जाएगा। ये 4-5 चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपकी पैदावार निश्चित बढ़ेगी भाई, इसमें कोई रोक नहीं सकता। प्रकृति आपका साथ देगी, जो मेहनत करता है तो भगवान भी उसके साथ होता है। तो इसके अलावा अभी कस्तूरी कपास की जो बात हो रही थी, कस्तूरी कपास के लिए शुद्ध कपास, सफेद कपास, बिल्कुल उसमें कोई कचरा वचरा नहीं हो, इसको पैदा करने के लिए एक सबसे बड़ा आपका जो है दुश्मन पैदा हुआ हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, और वो है गुलाबी बोंडी कहते हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ गुलाबी सुंडी कहते हैं, जो कपास में घुस जाता है, उसमें उस बॉल में घुस जाता है और
वो जो बिनोले हैं, आप क्या कहते हैं जिसे जानवरों को अपन खिलाते हैं, तो बिनोले हैं उसके, मतलब कपास का बीज, उसको जो है खा करके, और दो दो बीजों को एक साथ जोड़ देते हैं, इसको डबल सीड भी बोलते हैं। इसके अलावा जो है वो कपास खाता है, और कपास का रंग पीला पड़ जाता है, तो पीला पड़ जाता तो पैदावार 30% तो कम कर देता है, तेल की मात्रा भी कम कर देता है, लेकिन क्वालिटी तो बिल्कुल ही खराब कर देता है। कौन लेगा आपका पीला कपास? तो इसके लिए आपको सोच करके प्रबंध करने चाहिए। प्रबंध ये करने चाहिए कि आप जब भी कपास, आपका गांव है, एफपीओ के जितने सदस्य हैं वो सब 2, 4, 5 गांव जितने भी हैं, वो सोच लें कि हमें जो कपास बोना है वो एक समय निर्धारित करके कि भाई हम इस 15 दिन में सबके सब कपास सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो अब क्या है कि कपास में जैसे ही वो बोंडी आई, गुलाबी बोंडी, तो उसको पीढ़ी के लिए लंबा समय मिल जाएगा। आपने उसके लिए भोजन की व्यवस्था पूरी पूरी कर दी, तो जब आप एक साथ बोएंगे 15 दिन में ही सारा निपटाएंगे, तो उसको भोजन नहीं मिलेगा, एक कोई मतलब उसको 1 महीना या 15-20 दिन महीना मिलेगा, और आपने अलग अलग तारीखों में उसी गांव में आपने बोया है, तो जैसे ही वो मई महीने में आएगा, उसमें गुलाबी बोंडी घुस जाएगी, और जून वाले का फिर जो आपकी बोंडी मतलब जो बॉल आएगा उसमें घुस जाएगा, फिर वापिस जो है ना आपने बरसात के साथ बोया वो उसमें घुस जाएगा, तो उसको जो है लंबा, शत्रु को ज्यादा जो है आप पहले ही चेक करो ना भाई। दूसरा बिंदु है कि आप जब बीज, इसमें आपको गुलाबी बोंडी के लिए बीज का चुनाव आपको करना पड़ेगा। कोई भी कह दे या व्यापारी कह दे, ये देखो भाई बीज और बहुत अच्छा और इसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी, अरे ये लेके जाओ आप, वो नहीं करना है। उससे पूछो कि ये बीज कितने दिन में पकता है, फसल कितने दिन में पक जाएगी, तो हमें ऐसी किस्म का चुनाव करना है जो 140 से 160 दिन में पक जाए। जो लंबी अवधि के बीज हैं, कपास हैं, किस्में हैं, उसको भूल कर भी आपको नहीं बोना है। आपने लंबी अवधि का कपास बोया तो निश्चित रूप से गुलाबी बोंडी जो है आपकी फसल में लगेगी ही। तीसरा बिंदु यह है कि आप इस ढंग से लगाएं कि आपका नवंबर महीने तक आपकी फसल पक करके तैयार हो जाए, तो क्योंकि बाद में जैसे ही जो है ना वो फसल खड़ी रहती है, तो उसमें गुलाबी बोंडी का प्रकोप निश्चित रूप से होता है। आप जो है दो चुनाई कर लें, और जब जो पीछे के जो आपकी बॉल्स हैं, अगर आप उसको चीर करके देखेंगे तो 10 बॉल्स को चीर करके देखेंगे तो 7 बॉल्स में, 7 डिंडों में, ये बोंडी जी से कहते हैं वगैरह, तो उसमें निश्चित रूप से आपको गुलाबी सुंडी मिलेगी। इसके अलावा आप दवा भी छांटते हैं, उस दवा में याद रखिए कि मैं जो ये दवा बता रहा हूं, ये दवा पहले नहीं छांटनी है। आप जैसे वो तड़तड़ी क्या कहते हैं वो हरा, हमारे यहाँ तेला कहते हैं जैसे इड है,
और थ्रिप्स है वगैरह, ये सब पहले लगती है। तो उसमें अक्सर काश्तकार क्या करते हैं, रोंगोड़ छांट देते हैं, मोनोक्रोटोफास छांट देते हैं, एसिटामिप्रेट छांट देते हैं, इमिडामिप्रेट छांट देते हैं, या एसीफेट छांट सकते हैं। भूल कर भी पहली बार जो दवा छांटे कपास पर, तो ये जो नाम मैंने बताए हैं ये नहीं छांटना है। इसलिए नहीं छांटना कि इन दवाओं को जब आप छांटते हैं कीड़ों के लिए, तो ये एकदम जो है फसल को हरी करते हैं और बढ़ावा देती है, और बढ़ावा देती है तो जैसे ही बढ़ावा देगी वो जो है गुलाबी सुंडी के लिए वो बहुत ही मुफीद होगा, गुलाबी सुंडी अटैक करेगी। दूसरा बिंदु ये है, आप प्रोफेनोफोस छांटें, आप लार्विन छांटें, आप क्यूनल फास दवाई छांटें, और कितनी भाई, ये क्यूनल फास और ये जो है प्रोफेनोफास है, एक टंकी में 30 मिलीलीटर, लार्विन है जो दवाई बायर की आती है तो थाइडोकॉर्प कहते हैं, और दूसरी कंपनियों की भी आती है वगैरह, तो उसमें 30 ग्राम प्रति टंकी, मतलब 15 लीटर की ये छाटे हैं। लेकिन इन दवाइयां बनाने वालों ने बड़ी चतुराई से प्रोफेनोफास में सिंथेटाइज, इसमें सोमेसिडिन है, फेनबरेलेट है वगैरह जो है वो दवा मिला करके और वो बेच रहे हैं। तो कभी भी मिली हुई दवाई जिसमें ये सोमेसिडिन और फेनबरेलेट मिली, मत छांटना। 120 दिन तक तो ये दवा छटनी ही नहीं चाहिए, और मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं छांटनी चाहिए। इससे सफेद मक्खी वगैरह और ये जो है कीड़े आपके ज्यादा से ज्यादा जो है होंगे। तो केवल प्रोफेनोफास छांटते हैं, या क्यूनल फास छांटते हैं, या आप लार्विन जिसे थायरॉइड कॉर्प कहते हैं वो छांटते हैं, तो ये अच्छा। और फिर जैसे ही फसल आपकी खत्म हो और आप जो है उसमें फसल में रोटावेटर चलवा दें, आप हल चलवा दें, ट्रैक्टर से हकवा दें, क्योंकि इसका जो ट्यूपा है वो जमीन के अंदर रहता है, मतलब तितली तितली तो जमीन के ऊपर रहती है, अंडे भी वो जो है फूल और आपकी बॉल पर देगी, और फिर जाएगी तो उसके अंदर जो है आपके बॉल के अंदर जाकर के और नुकसान करेगी, और जैसे ही वो जो है चौथी स्टेज में जो आती है प्यूपा, वो जमीन के अंदर चला जाता है। तो आप जैसे ही हाँकेंगे उसमें, जो आपने देखा होगा जब भी हकाई होती है वगैरह, तो उसके पीछे एक बगुले घूमते हुए, सफेद बगुले घूमते हुए कुछ खाते हुए नजर आते हैं, तो वो नुकसान वो उसको खत्म करेंगे और सूरज की रोशनी भी खत्म करेंगे। अब रहा सवाल कि मैं दवाई तो मैंने बताई है, लेकिन इन दवाइयों के बड़े पैसे लगते हैं। आप छांटते हैं तो छांटने वाले को नुकसान, सूंघ ले ज्यादा या कहीं हो जा तो उसके भी जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं, जमीन में जो आती है तो जमीन को नुकसान करती है, पानी में जाती है तो पानी को जहरीला करती है, और उसकी जो भाप उसकी जो उड़ती है वगैरह वो आकाश में जाती है, तो उस आकाश में जाकर के आकाश का वातावरण भी जहरीला बनाती है। और तो ऐसी स्थिति में मैं कुछ आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ जो आपके घर में है, हर काश्तकार के घर में छाछ होती है, दूध होता है, जानवर होते हैं तो दूध होता है तो छाछ बनती है, मट्ठा बोलते हैं क्या बोलते हैं आपके यहाँ, तो वो छाछ जो है, लस्सी बोलो या छाछ बोलो कुछ भी बोलो, तो वो छाछ जो है आप एक मटका में इकट्ठा करें, आपके जो गाय भैंस है उसका जो मूत्र है उसको उसमें डाल दें। इसके अलावा नीम के पत्ते हैं, आंकड़े के पत्ते हैं, एलोवेरा के पत्ते हैं,
आपके गाजर घास हो, गाजर घास भी उसमें डाल दीजिए, उसको 10-15 दिन सड़ाइए, और फिर जो है ना उसको छान करके आपकी आपकी जो मशीन में 2 लीटर डाल के बाकी पानी डाल के छाटेंगे तो आपको 2 फायदे होंगे, आपके कीड़े भी मरेंगे, बीमारी भी को भी रोकेगा, और इसके अलावा जो है गौमूत्र में और छाछ में बहुत से न्यूट्रिएंट हैं, वो मिलेंगे, फसल एकदम सूखेगी भी नहीं, बिल्कुल हरी रहेगी। इसके अलावा एक विधान और बताता हूँ कि आपको तुरंत फुरत तैयार करना है तो हरी मिर्च जो होती है, तीखी हरी मिर्च अपन खाते हैं जिसकी सब्जी वगैरह में डालते हैं, आधा आधा किलो हरी मिर्च ले लीजिए, उसको अच्छा पीस लीजिए, और इसके अलावा आप बो लीजिए लहसुन, जो प्याज लहसुन होते हैं ना, लहसुन का जो आधा किलो लीजिए और उसको जो है अच्छी तरह उसको भी पीस लीजिए, एक बाल्टी में अच्छा घोल करके छान करके 140 से 150 लीटर पानी में मिला करके, और फिर आप टंकी आपकी जो मशीन है उससे छांटिए, इससे आपके कीड़े खत्म होंगे किसी भी फसल में। मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा, कपास की किसी भी फसल में छांटेंगे, और ये जो छाछ के और इसके आप छांटेंगे किसी भी फसल में छांटेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मेरा जो निवेदन था, मैंने आप सबको अर्ज किया है, और मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भी कपास की पैदावार बढ़े, तो मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, अगर कोई प्रश्न होगा तो निश्चित रूप से जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद शर्मा सर, नरेंद्र धन्यवाद। सर, हाँ बोला। शर्मा सरांनी जी माहिती आता सांगितली, हो तुम्हाला काही विचारायचं आहे त्याच्याबद्दल थोडं? नाही, बऱ्यापैकी माहिती दिली मॅडम त्यांनी, तसं काही विचारण्यालायक नाही, बाकी त्यांचं नाम रिक्वेस्ट तर आहे फेमस थोडं आहे। हिंदीमध्ये बोला ना। हाँ, उनका और हमारा एक ही जैसा है फिलहाल, यो जो अंतर है उनका थोड़ा कम है और हमारा अंतर थोड़ा ज्यादा है, बस यही फर्क है, बाकी तो सब उन्होंने जो दवा बताई अच्छा, वो सब दवा यूज करते हम। आप हाँ ये हाँ छाछ वगैरह और गोमूत्र काम में ले रहे हैं? उसका उसका स्प्रे करते, वो वैसी नहीं करते तुमने जो बताया वैसी, हाँ नहीं नहीं लेकिन कर, गोमूत्र नहीं वगैरह नहीं छाछ का। वो स्प्रे स्प्रे की मैं कर रहा हूँ। अच्छा, और इसका मिर्ची मिर्ची और इसका कर रहे हैं लहसुन का? हाँ, मिर्ची है ना, मेरे को हमारे तरफ मिर्ची बहुत लगाते। नहीं, आप इसका जो घोल बना करके और छाटने का मतलब फसल पे जो छिड़काव करने का आप कर रहे हैं क्या? नहीं, वो ऐसे डाल के नहीं कर रहे, लेकिन छाछ का और जैसा गोमूत्र का स्प्रे करते हाँ, हो, जैसे जीवामृत हो गया, दशपर्णी अर्क हो गया, उनका उनका देखिए स्प्रे करते। ना, हाँ बहुत बढ़िया का, आप जीवामृत का और बीजामृत और ये सब बना रहे हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो है ना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तुरंत फुर, क्योंकि हर आदमी जीवामृत और ये नहीं बनाता वगैरह, उसके लिए चाहिए वैसे डिकम्पोजर का भी चाहिए, तो मैं तो हाँ सामान्य रूप से हर कास्तकार के हिसाब से जो कर सकता है वो मैंने बताया है, और आप बढ़िया। चाहेंगे तो इसके भी वो लंबी चौड़ी आपको बता हाँ सकता हूँ कि किससे क्या होता है। मान लो आपके यहाँ जो ये दीमक लगती है, तो दीमक लगती है जो ये हींग होती है ना, हाँ हींग होती है ना सब्जी में, बघार हाँ में काम में लेते हैं, और हाँ हींग को एक कपड़े में बांध करके जहां से आपका खेत में पानी जाता है उसमें हाँ कर देंगे, तो आपकी जो है ये आपकी जो है दीमक नहीं लगेगी। तो ऐसे बहुत हाँ प्रयोग हैं मेरे पास जो कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और एक छोटा सा प्रयोग जो कि आप बीजामृत और जीवामृत की बात कर रहे हैं, तो हाँ आप जो भी बीज बोएं, कोई सा गेहूं का, जौ का, ज्वार का, बाजरे का, जिसका भी आप बोएं,
या आपके तुअर का या इसका, तो हाँ गौमूत्र लीजिए, उसको हल्का करिए और उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए, हल्दी 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 डाल करके, और फिर उसका जो है बीज उपचार करके, और फिर को छाया में सुखा करके, और फिर उसकी जो है बुआई करेंगे, तो आपकी जो है जो जो जमीन से पैदा होने वाली बीमारियां हैं हाँ वो उससे बचाव होगा। तो ये तो सब हाँ घर की चीज है। आपने हाँ जब बीजामृत की बात की, इसलिए मैं आगे तक कह रहा हूँ। हाँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने सर बीजामृत मैं का, सर हाँ सर मैं क्या हाँ बोल रहा वो हूँ, हमारे तरफ के लोगों का जो कहना है, जैसे 5 फुट का जो अंतर है दोनों, इसमें 5 फुट का अंतर रखते हैं, 5 फुट बाय एक एक फुट तो क्या ज्यादा चीज? होता है क्या? ये जो अरे अपने कपास भाई, का जो अंतर है, नहीं, 5 फुट तो रखने ही नहीं है। 5 फुट जो है ना, 3 फीट भाई 1 फीट का रखो, अगर आप जो है ना सिंचित कर रहे हैं, मतलब जो हाँ है इरिगेटेड कर रहे हैं, तो 3 फीट बाई 1 फीट ही रखना है। 5 फीट नहीं, तो बहुत ज्यादा है। अच्छा हमारे दूसरे, हमारे तरफ के लोगों का कहना है कि अगर अंतर कम रखते हैं तो जो फल है वो कम लगेंगे। भाई आप करके देखो ना, ये हाँ हमारे यहाँ भी 3 फीट बाई 3 फीट पे बोते थे, और हाँ काश्तकार 2 साल से जो है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपका, 3 फीट बाई 1 फीट पे आए, तो वो जो है ना हाँ प्रति एकड़ 2.5 से 3 क्विंटल पैदावार ज्यादा हुई। मैं तो रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ तो आप इसको कीजिए, कहाँ हाँ 1 लाख पौधे जो है ना, ऑस्ट्रेलिया की जो है 2000 2000 किलो, मतलब हाँ 2 क्विंटल 1 हेक्टेयर में पैदा करते हैं, 1 लाख पौधे बोते हैं। हाँ चीन वाले भी जो है ना, और ब्राजील वाले वगैरह भी जो 1 लाख पौधे हैं, तो आप जो है 3 फीट बाई 1 फीट जब बोएंगे तो 27,000 पौधे ही लगाओगे। ठीक है सर, इस हाँ बार प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ बिल्कुल करें, आप बिल्कुल करें। हमारे यहाँ तो प्रोजेक्ट भारत सरकार ने चला रखा, आपके यहाँ भी चला रखा है, तो हाँ वो जो 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 वर्षा आधारित है उसमें तो वो जो है 3 फीट बाई आधा फीट ही कर रहे हैं। हाँ हाँ वो पौधे जो है 27 के 52 52 हजार पौधे जो है ना वो लग रहे हैं। तो आपके यहाँ चल रहा है, और हमारे एक साथी हैं गोविंद जी बिराले, वो मैं जैसे यहाँ काम कर रहा हूँ वैसे गोविंद जी बिराले आपके नागपुर में है, और उनके पास जो है, मेरे पास 13 वर्कर हैं, उसी उनके पास जो 18 वर्कर हैं। तो आप करिए, डरिए मत, ठीक डरिए है मत, मतलब तो आप हाँ थोड़ा सा कर लेना हाँ भाई। आप जो है ना 5 बाई 1 भी बोल लेना, और जो हाँ है आधा खेत जो है 3 बाई 1 बोल लेना, अपने आप आपको पता लग जाएगा। ठीक है ठीक हाँ करिए। हाँ हाँ शुभ नाम आपका? नरेंद्र, आमने नरेंद्र। हाँ नरेंद्र जी, तो मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ, आप हाँ जो हाँ है इसको निश्चित करिए और आधा करिए, और फिर जो है ना शीतल जी को बताना कि वो मुझे बताएंगे अगले ठीक है साल ठीक की, वो अगर जिंदा रहे तो हाँ मैं हाँ तो हाँ हाँ मेरी कह रहा हूँ, क्योंकि उम्र ज्यादा है मेरी, 84 साल, तो हाँ हाँ वो बताएं कि वगैरह जो नरेंद्र जी ने किया और इसके ये परिणाम रहे, ठीक है गलत रहे तो भी बताना और सही हाँ रहे तो हाँ भी ठीक बताना मेरे कहने ठीक अनुसार। मुझे बहुत खुशी हुई आपने जो है ना ये जीवामृत की और इसकी और बात की है, और हाँ आपने ये बता दिया, तो ये जो है 5 बाई 1 मत रखना भाई, 5 बाई 1 हाँ मत रखना, 3 बाई 1 कर, है ना, ठीक है मेरे ठीक कहने से कर लेना। है ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने धन्यवाद से, सर, सर तुम्हारा मुझे भी धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा हेलो लगा। हाँ हाँ हेलो, जी हाँ हाँ जी, बोल हेलो। सर नमस्कार। नमस्ते, हाँ मैं राकेश हाँ पाटिल पाटी रतलाम दी, से। यस हाँ, सर वहाँ पाटीदार जी, सर बोलो बोलो, नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैं थोड़ा इवेंट में था, एक शादी के प्रोग्राम था, मैं मीटिंग बात नहीं चाह, थोड़ा बाहर आके मैं बोला काफी लंबे समय मीटिंग जा रहा, चलो मेरी भी बात थोड़ी कर नहीं लो नहीं हाई अच्छा, लेवल। नहीं अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। तो
चलो आप जुड़े हैं वगैरह, तो ये बहुत बढ़िया बात है। पाटीदार जी, कैसे चल रहा है आपका? सर अभी अच्छा चल रहा है, अभी 2 पिकिंग और बाकी चल रहा है, करीब 3 पिकिंग तो हो चुका है, पर ऑलमोस्ट जो हम अपेक्षा कर रहे थे, पर इस बार रेनफॉल की वजह से काफी डैमेज हुआ है सर हमारा इधर। आपके आपके यहाँ तो बाढ़ आई भाई, सर आपके बाढ़ आई वगैरह तो नुकसान हुआ। अच्छा, और आपको तो प्लेटिनम ने सबसे ज्यादा जो है धक्का दिया है। हाँ सर, प्लेटिनम की तो बहुत ही स्टैंड रिपोर्ट खराब है सर, उसपे बहुत ही मुश्किल से 5 से 6 बॉल है, वो भी ओपन नहीं हो रहे हैं, बहुत बहुत कंट्रोलिंग करा उस फार्मर को सब, कैसे तैसे भी हम मैनेज कर रहे हैं, पर ये थोड़ा रेनफॉल का बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है सर। जो जो मटेरियल आना था पिकिंग में जो हाँ, वो इस बार नहीं आ पा रहा है, और कुछ इश्यू तो वेरायटी कुछ इश्यू सर वेरायटी अच्छा, का। अभी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल का क्या भाव चल रहा है आपके क्षेत्र में? सर एक्स्ट्रा लॉन्ग स्ट्रेचेबल का अभी 8 8,000 से तो 9,000 के बीच में चल रहा है, अभी 10 दिन के अच्छा बीच में 10,000 भी हो गया था, पर ये अच्छा रेट अच्छा रेट एक 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 रेशियो पे नहीं चल रहे हैं, अप डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, और थोड़ा मिक्सिंग हाँ इश्यू हो रहा है जो यहाँ के जो व्यापारी, वो मिक्सिंग का इश्यू होने के कारण उसका ALS का जो ब्रांडिंग था और जो क्योरिटी थी वो नहीं हो पा रहा है, देखो, तो ऐसा ऐसा है पाटीदार जी कि आपके क्षेत्र में जो है ना, ट्राइबल जहां भी एरिया है, ट्राइबल में क्या कातकार जो है थोड़ा सा वो, और वो व्यापारी के यहाँ जो है बीड़ी तमाखू वगैरह और ये और तेल और वगैरह वो लेने चला जाता है। बांसवाड़ा का तो यही हाल है। जी जी सर तो वो जो है ना, उसमें फिर क्वालिटी मेंटेन नहीं होती। ये प्रश्न जो है त्रिपाठी साहब ने उठाया था वहां बांसवाड़ा में, जो नौलखा साहब ने उसका जवाब दिया कि उसमें माइकर नहीं बनता, उससे पहले जो है वो आदिवासी खेत लेते हैं, मतलब उसको तो माइकर नहीं बनता, तो माइकर के हिसाब से जो है ना वो उसको फिर पैसा होता है। तो अच्छा, और बांसवाड़ा में तो जो चल रहा था, ये तो कॉटन गुरु की से मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई एक बार आप जा करके, तो जिस समय उनको 6,000 रुपये दे रहे थे, इनने 9,000, जाते ही तो 9,000 की इनकी पूरी टीम गई और फिर 12,000 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव दिए। तो वहाँ जो है ना वो स्थानीय व्यापारी जो है, जो भी गांव का, वो उनका शोषण करते हैं। जी वो भी है सर। दूसरा इशू क्वालिटी का वो है कि जो MCS का जो आपके इधर जो हो रहा है उसको मिक्सिंग कर रहे हैं, अच्छा, हाँ तो कॉटन फिर और वो कार्टन और ये ईलेस का उसको मिक्स करके कर रहे हैं, ये व्यापारी कर रहे हैं सर, छोटे लेवल के जो व्यापारी वो हाँ उसको कर हाँ रहे हाँ हैं। तो वो वही तो कर रहे हैं कि उनके तो जो आया सो वो इकट्ठा वो सब में डाल दिया, और फिर वो अपना जो ट्रक है या जो भी गाड़ी है वगैरह जितना जो है जा करके भेज देता है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता। लोकल व्यापारी जो किराने का व्यापारी, वो उसमें जानता नहीं ज्यादा वगैरह, तो वो सब जो आया कास्तकार और उसने उसमें डाल दिया, एक एक दो दो किलो ले जाते हैं कास्तकार। वो भी है। दूसरा सर इस बार वैरायटी का बहुत इश्यू आ रहे हैं, जो ऑलरेडी जो MNC जो कंपनियां थी, जो आज से 3 से 4 साल पहले जो वैरायटी बना रही थी अच्छी अच्छी MNC कंपनियां ईएलएस में, उन्होंने प्लांट प्रोडक्शन R&D का प्रोडक्शन ही बंद कर दिए, मुश्किल से केवल 3 से 4 ही कंपनियां रह गई ईएलएस में जो सीड प्रोडक्शन ले रही है, और वो भी बहुत कम, जो डिमांड है उसकी अपेक्षा नहीं ले पा रही है, तो कुछ इशू वेरायटी का भी है। अच्छा ये एरिया से ईएलएस को हम छोड़ ही नहीं सकते, मतलब किसान ने नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, क्या आप MCH का लगा लो तो नहीं लगाएंगे सर, उनकी हम यही नहीं, चाहते जहाँ ईएलएस का ऐसा लगता है वो ही लगना चाहिए। ऐसा है कि इस जो है ना, जैसे बांसवाड़ा का इलाका और ये इस इलाके को ईएलएस जो है, ये किस्मत की बात है कि अपने यहाँ ईएलएस जो है लग रहा है, तो इसको जो है ना जो है वो इसको तो बदलना ही नहीं है। ये सौभाग्य से मिला हुआ ये रतलाम एरिया और वगैरह और ये बांसवाड़ा का, यहाँ रतलाम झाबुआ बांसवाड़ा सर, यहाँ पे सर जो आउटस्टैंडिंग जो जो पैकिंग पैकेट सेल होते हैं, 450 ग्राम के पैकेट आते हैं, वो करीब ढाई लाख हाँ पैकेट का सेल है सर यहाँ पे, मैंने हाँ एक हाँ निकाला बिल्कुल था बिल्कुल, कि बहुत 2.5 लाख अच्छा से तो 3 लाख पैकेट का सेल है, मतलब मार्केटिंग अच्छा
इतने पैकेट सेल होते हैं ये झाबुआ, रतलाम और आपका बांसवाड़ा, इन तीन डिस्ट्रिक्ट में। एक राजस्थान का बांसवाड़ा है हाँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका बांसवाड़ा का सारा माल भी रतलाम ही आता है। हाँ, और करीब 2 लाख के आसपास सर बेल बन जाती है, गांठ गठन बन जाती है। पर बढ़िया बात। इस बार बहुत इश्यू आ रहे हैं सर, क्वालिटी है और रेनफॉल का बहुत ज्यादा इश्यू है। रेनफॉल तो उस समय ही बहुत नुकसान होगा भाई आप लोगों का, बहुत नुकसान होगा। बाकी तो सर ये एक इनका तो कॉटन तो लगाते ही हैं फार्मर, और इनका एक एटीएम कार्ड है के रूप में इसको लेते हैं। अब सीजन इनका पूरा इससे ऊपर ही चलता है, आजीविका सही है, पूरा नहीं कपास पे ही लगा सही हुआ है। सही है वो, और आदिवासियों का तो वो तो जीवन आधार है, हाँ, आदिवासियों का तो जीवन आधार है भाई। तो नेक्स्ट ईयर से हम यही सोचेंगे सर, थोड़े वैरायटी का इंप्रूवमेंट होके और अच्छी वैरायटी पकड़ के अगर हम डायरेक्ट प्रोवाइड कराएं किसान को तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा प्रोडक्शन का देखो भी। देखो भाई, आप जो है ना ये, अब एक बात तो जैसे मैंने किया कि मैं तो कोई बीज नहीं, जो अप्रूव होगा वही लेंगे। कभी भी आप जो है ना ये जो आपको दे रहा है चींटी इसी तरह के हिसाब से, उससे जो है साउथ वाले ने दिया है तो उसको एक्सेप्ट ही मत करोगे भाई। जो अगर आपने जो एटीसी फार्म पे या ये जो है अप्रूव्ड है वही हम लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। तो ये जो है सर ना, हाँ हाँ, हमारे इधर जनरल में जो जो ब्रांडिंग नहीं है अप्रूवल नहीं लेती है, जो उसमें कुछ बेनिफिट खर्च ज्यादा होता है उनका, जैसे आपका पारस सीड है, पार्टेग है, ये सीड भी सर जनरली काफी अच्छे हैं। और हमने रिक्वेस्ट किया था सिटी को, तो सिटी और सीआईसीआर का ये अप्रूवल वेरायटी चाहिए, परमिशन लेटर होना चाहिए। तो सर अगर ये वेरायटी हम लेके डाल क्यों, देते हैं तो पारस काफी अच्छा। पारस तो अप्रूव्ड है भाई। अरे सर नहीं देने दिया, पारस का हमने 2-3 ब्रांड डाले थे कि ये अलाउड नहीं है। हमने पार्टे का डाला था भीष्मा और कुछ अच्छे वेरायटी, और अभी मैंने उसके लेंथ भी देखी सर, 36 के आसपास लेंथ आया उसका। अच्छा, और एक शक्ति, दिव्य शक्ति एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका शक्ति 07 और शक्ति 47, वो भी बहुत जबरदस्ती वेरायटी सर। तो इन वेरायटियों को हमने हमने सिटी के सामने रखा भी था, पर नहीं बोलेगा अप्रूवल अप्रूवल। अब अप्रूवल में सर देखो इन्होंने ऐसा है कि इसमें तो जैसे मैंने लड़ाई की, आपको भी लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास कोई भी टेस्टेड वैरायटी है नहीं और कोई ट्रायल के इनके पास रिजल्ट नहीं है, ये अप्रूव्ड है ये नहीं है वगैरह, तो इसमें लड़ाई करनी पड़ेगी और थोड़ा बलपूर्वक ये करना पड़ेगा कि साहब नहीं, ये जो ये नहीं चलती है, ये हमारे यहाँ फेल हुआ, काश्तकारों को नुकसान हुआ है। ठीक है सर, ठीक बहुत बहुत धन्यवाद भाई। है सर। मैंने काफी समय से मीटिंग सुन रहा था मैं, पर एक नहीं इवेंट कार्यक्रम में था तो मैं बात नहीं कर सका। मैं थोड़ा चलो जाते हुए मैं थोड़ा बात कर लूं, मैं काफी समय नहीं हो गया। अच्छा अच्छा हुआ और पाटीदार, तुम अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे धन्यवाद हो। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद मार्गदर्शन ऐसा ही रहेगा तो हम बिल्कुल आगे और अच्छे काम करेंगे। बिल्कुल धन्यवाद भाई, सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। नरेंद्र सर, हाँ बोलिए। आज का ये जो वेबिनार था हमारा, वो हाँ आपको कैसे लगा? टेक्सपोसिल के उदय सर, पुरुषोत्तम हाँ जी शर्मा कृषि तज्ञ, इनसे बात हाँ करके आपको कैसा लगा? मैडम, उनसे बात कर से को बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी ये कस्तूरी तो पहली बार ही सुना था मैडम, अभी ये ब्रांड है तो अभी और आगे आगे वो बताते ही रहेंगे तुम, उसके बारे में मैं भी हमारे काश्तकार है उनसे बात करूंगा। और ये वेबिनार बढ़िया लगा मैडम। ओके okay. हेलो मैडम, इसके बारे में कुछ आपको सीखने को मिला यहाँ जरूर से? क्या बोले सर? कुछ सीखने को मिला मैडम? ओके okay. इसके आगे भी हम आपके कांटेक्ट में जरूर रहेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या मेरा नंबर है आपके पास, आप हाँ मुझे फोन करके भी बोल सकते हो। ठीक है ना। मैंने जैसे पहले भी आपको कहा था, आज का वेबिनार बस एक माध्यम है आपका हाँ और हमारा परिचय होने के लिए। आज से हाँ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं,
एफपीओ का फायदा कैसे हो सके, एफपीओ के किसानों का फायदा कैसे हो सके, इसके ऊपर हम आपको जरूर मार्गदर्शन करेंगे और आपको जरूर हेल्प करेंगे। थैंक धन्यवाद। यू सर। हाँ अभी अपना वेबिनार समाप्त हुआ, ऐसे में आपको बताना चाहूंगी और अंत में मैं धन्यवाद मानती हूँ महंत गिरी एफपीओ के नरेंद्र सर और अदर डायरेक्टर्स और किसान भाइयों का, जिन्होंने हमें ये वक्त दिया, हम जो बताना चाहते हैं वो उन्होंने ध्यान पूर्वक सुना। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ टेक्सपोसिल में से जुड़े हुए उदय सर का, जो एफपीओ को आगे फ्यूचर में कैसा फायदा हो सके उसके बारे में अच्छी जानकारी देने के लिए। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ शर्मा सर का, जिन्होंने फसल अच्छी तरीके से कैसे उगाया जाए इसके ऊपर हमें अच्छी तरीके से मार्गदर्शन किया। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ कॉटन गुरु के प्रमुख मनीष दागा सर इनका, जिन्होंने आज हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम वेबिनार कर सके। थैंक यू एवरीवन कि आपने ये सब जानकारी ध्यान पूर्वक सुनी इसके लिए। धन्यवाद।